श्री राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधा जी श्री कृष्ण जी की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा जी के बिना श्री कृष्ण जी की आराधना अधूरी रहती है। यह एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। श्री राधा जी के साथ भगवान का स्मरण करने पर भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज परम पावन दिन अष्टमी के साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र का मिलन रात्रि 12 बजे हो रहा है। इस दिन के किए गए उपाय अवश्य पूरे होते हैं। पूरी श्रद्धा विश्वास और समर्पण की भावना के साथ आप जो भी मांगेंगे श्री राधे कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। कुछ विशेष उपाय ध्यान से सुने, नोट करें और उसे अमल कर सकते हैं। धन लाभ के लिए किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री प्रभु को पीले फूल की माला अर्पित करें, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं और कपूर की आरती करें, मन मुताबिक लाभ मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि का अभिषेक करें, मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए श्री राधे कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या चावल की सुगंधित खीर, मेवा इत्यादि डालकर बनाएं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें, इसका भोग लगाएं, मन वांछित सफलता प्राप्त होगी। सर्व कार्य सिद्धि के लिए श्री हरि के सम्मुख जन्माष्टमी के दिन जटा वाला नारियल के साथ 21 बादाम चढ़ाएं और आरती करें। श्री हरि की कृपा से सभी मनोरथ पूरे होंगे। व्यापार नौकरी में उन्नति के लिए आज के दिन 7 कन्याओं को सादर निमंत्रित करें, सफ़ेद मिठाई या खीर या हलवा खिलाएं, उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दें और यह उपाय 5 शुक्रवार लगातार करें। व्यापार और नौकरी में मन मुताबिक उन्नति और उपलब्धि प्राप्त होगी। अस्थाई सुख समृद्धि के लिए केसर मिश्रित दूध से श्री हरि का अभिषेक करें। जीवन में स्थिरता और संघर्ष को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि के गले में तुलसी पत्र की माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप करते हुए चढ़ाएं, संघर्ष की स्थिति खत्म हो जाएगी। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए पीले कपड़े के आसन पर बाल गोपाल की मूर्ति रखकर घी का दीपक जलाएं और क्लिंग देवकी सुत गोविंदाय वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतम् क्लिंग यह मंत्र करें या सामान्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप लगातार 43 दिनों तक करें, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे कृष्ण।